पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष की अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर तक। और इससे पहले ही आपको कर लेने हैं कुछ उपाय जिससे कि आप पितृदोष से मुक्त हो जाएं। अगर आपके घर में पितृदोष होता है तो पितृदोष के क्या लक्षण हैं आप अवश्य सुन लें। अगर आपके घर में रोज़ कलेश होता है या हमेशा झगड़ा होता है, किसी छोटी छोटी बातों पे तनाव रहता है, हर लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ रहा, बच्चों के शादी विवाह में देरी हो रही है, या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या घर में कोई ना कोई बीमारी लगी ही है, कोई एक ठीक होता है तो दूसरी बीमारी हो जाती है, रोग बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहे, किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत इलाज कराया, बहुत लोगों को दिखाया भी, झाड़ फूँक भी कराई, पर अगर आपके घर से ये सारे जो कष्ट हैं, दुख हैं, ये खत्म नहीं हो रहे हैं, या आपके घर में कर्जा बढ़ गया हो, या आपने किसी से पैसा उधारी लिया हो, आप नहीं दे पा रहे, या आपका पैसा किसी ने ले लिया हो, या आपके घर पे कब्जा कर रखा हो, या आपके प्लॉट पे कब्जा कर रहा हो, आपके जीवन में जितनी भी दुख हैं, जितनी भी कष्ट है, कहीं ना कहीं उनका कारण पितृदोष का होना ही है। क्योंकि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे लोग नहीं मरते हो, हर घर में लोग मरते आ रहे हैं, और जो असमय मृत्यु होती है यानी जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई बुजुर्ग ना होकर, बुढ़ापे में ना होकर जवानी में ही मर गए हो, या किसी के एक्सीडेंट में मर गए हो, या किसी को बड़ा रोग हो गया हो, गंभीर बीमारी से कोई मर गया हो, इस तरह से जो लोग मर जाते हैं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है, और जिनकी वजह से वह अपने जो घर वाले होते हैं उन्हें परेशान करते हैं, दुख देते हैं, ताकि इन दुख और परेशानियों से वह तंग आके उनके पूजा पाठ, उनकी मुक्ति के निमित्त के लिए पितृदोष हटाने के लिए पितृपक्ष में पूजन पाठ करें, ब्राह्मण भोज करें, पिंडदान तर्पण इत्यादि करें। तो अगर आपके घर में भी ऐसे हैं और अगर इस तरह का आपके घर में कोई भी लक्षण नहीं है तो भी आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। इन पितृपक्ष में जब आप अपने पितरों को, भले ही आपके घर में कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ, तर्पण या कुछ छोटे छोटे उपाय, जैसे गाय को रोटी खिलाना, और जैसे पंछियों को दाना देना, कौवा को भोजन कराना, कुत्ते को भोजन कराना, रोटी देना, या कुछ और छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपके घर में चाहते हैं कि हमेशा धन संपत्ति, सुख शांति, रौनक और बड़ों का आशीर्वाद बनी रहे, सब सुखी रहे, तो आपको पितृपक्ष में ये कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए, जिनमें ना तो आपका बहुत अधिक पैसा खर्चा होगा और ना ही अधिक समय खर्चा होगा, और ना ही आपको ब्राह्मण भोज कराने की आवश्यकता है, ना ही पिंडदान तर्पण की। आप चाहे कितने भी व्यस्त रहते हो, पर आप अपने घर में इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो उपाय बता रही हूँ वह इसलिए है क्योंकि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं, अगर आपके घर में कुछ शुभ खबर नहीं हो रही है, कुछ शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जैसे आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या कोई और काम करना चाहते हैं, या बच्चों की शादी विवाह में देरी हो रही है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो पितृपक्ष में जितने भी दिन बचे हैं अभी, आप प्रतिदिन एक चुटकी आटा अपने दरवाजे के बाहर दोनों तरफ, एक चुटकी आटा दोनों तरफ अपने घर के दरवाजे के बाहर अवश्य दें प्रतिदिन।